हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इस बार मैदान में विनेश फोगाट भी हैं। विनेश फोगाट बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन का मुख्य चेहरा रह चुकी हैं। अब चुनावी दंगल में उतरते ही विनेश ने न सिर्फ ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पर ही हमलावर है। विनेश फोगाट पार्टी के टिकट पर हरियाणा की जुलाना सीट से उम्मीदवार है और अब विनेश फोगाट ने पार्टी चिन्ह की तुलना थप्पड़ से की है। उन्होंने कहा कि ताई आपको पता तो है ही कि मेरा चुनाव निशान क्या है। हाथ का चुनाव निशान है ताई, कभी गलत जगह बटन दबाओ। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने कहा हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख को ये थप्पड़ दिल्ली में जाकर लगेगा। 10 साल में जो अपमान हमारा हुआ है उसका बदला लेना है। हाथ का निशान है ताई, आ रही हो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, उसके बाद जल्दी लगेगा जाके। विनेश ने एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हुए अपनी चुनाव में उतरने की वजह ब्रजभूषण को ही बता दिया। विनेश ने कहा कि आपको सिस्टम में जाना होगा। ब्रजभूषण सिंह इसलिए टिका है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, हमें भी इसलिए ताकतवर होना चाहिए। अगर हमारे पास सत्ता नहीं है तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। विनेश फोगाट 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की थी। विनेश फोगाट का मुकाबला जुलाना में बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी, जेजेपी के अमरजीत ढांडा, INLD के सुरेंद्र लाठर और आपके कविता दलाल से है। विनेश फोगाट लगातार जुलाना से कैंपेनिंग कर रही हैं। है आपको बता दें, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में लगभग 100 ग्राम वजन ज्यादा पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया। खैर, अब विनेश ये सीट जीत पाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP Live।